इंदिरा के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कहानी का दूसरा भाग हम शुरू करते हैं इंदिरा गांधी का उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने से इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो उसे जाके अवश्य देख लें क्योंकि इसके बाद ही आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आने वाली हैं ओके उन्नीस में इंदिरा कर्नाटक के चिकमंगलूर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच गई और उन्हें बहुत जल्द मौका मिला जनता पार्टी के आपसी कलह का फायदा उठाने का और इसमें इंदिरा बिल्कुल भी नहीं चुकी अभी तक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और नए बने उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बीच तनाव जग जाहिर हो गया आपको बताते चलें कि भारत में यह पहला मौका था जब एक साथ दो दो उप प्रधानमंत्री बने सरकार बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह को और पार्टी में संतुलन साधने के लिए बाबू जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया गया इसी बीच जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठा और बहुत सारे नेताओं को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा जिसमें स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल को भी पद से हटा दिया गया माना यह गया कि ये सब केवल चौधरी चरण सिंह को नीचा दिखाने के लिए मुरारजी देसाई और उनके करीबियों के द्वारा किया गया इस बात को चौधरी चरण सिंह ने दिल पे ले लिया और आखिरकार जुलाई उन्नीस में चरण सिंह ने अपने नब्बे सांसदों के साथ मुरारजी देसाई सरकार से समर्थन वापस ले लिया और अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया इंदिरा ने चौधरी चरण सिंह को खुला समर्थन दिया चरण सिंह के नेतृत्व में नई पार्टी अस्तित्व में आ गई जिसका नाम लोकदल रखा गया अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस का समर्थन मिला और मोरारजी की सरकार गिर गई 15 जुलाई उन्नीस को मोरारजी देसाई ने अपना इस्तीफा तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को सौंप दिया कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए खैर इंदिरा ने चौधरी चरण सिंह सरकार को समर्थन तो दिया लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूली थी कि ये वही चौधरी चरण सिंह हैं जिन्होंने इंदिरा को गिरफ्तार करवाया था और जेल भेजा था राष्ट्रपति के निर्देशानुसार चरण सिंह को उस समय जारी संसद के मानसून सत्र में ही विश्वास मत हासिल करना था इंदिरा वैसे तो उन्हें घोषित तौर पर समर्थन दे चुकी थी, लेकिन विश्वास मत की तारीख नज़दीक आते आते उनके दूतों के माध्यम से ये संदेश चौधरी चरण सिंह तक पहुंचने लगा कि विश्वास मत के दौरान संसद में इंदिरा का समर्थन उन्हें तभी मिलेगा जब वे इंदिरा और संजय गांधी के खिलाफ सारे मुकदमे वापस लेने का आश्वासन देंगे जो कि चरण सिंह को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था 20 अगस्त उन्नीस को चरण सिंह को विश्वास मत हासिल करना था उस दिन वे संसद जाने के लिए घर से निकले तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें इंदिरा गांधी के आवास पर उनसे मुलाकात करते हुए संसद भवन जाना था इंदिरा इंतजार करती रहीं लेकिन चरण सिंह ना इंदिरा से मिलने पहुंचे ना ही संसद भवन बल्कि वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुँच राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी राष्ट्रपति ने 22 अगस्त को लोकसभा भंग कर दी चौधरी चरण सिंह महज तीन सप्ताह के लिए प्रधानमंत्री रहे और वो भी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया इसके करीब चार महीने बाद जनवरी 1980 में देश को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा इंदिरा ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी उनका एक ही नारा था चुनिए उसे जो सरकार चला सके जनता पार्टी तो पहले से ही टुकड़ों में बच चुकी थी बची खुची पार्टी ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस ने दो तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी ये ये थी इंदिरा गांधी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कहानी ये कहानी इसलिए भी आपको सुनाना ज़रूरी थी क्योंकि अगर इंदिरा दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनती तो शायद देश के पाँचवें प्रधानमंत्री के रूप में हमें राजीव गांधी नहीं मिलते खैर भारत के प्रधानमंत्री सीरीज के अगले भाग में हम जानेंगे भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में आशा आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और समय समय पे मैं ऐसे ही अन कहे अन और अनजाने पहलुओं को आपके सामने लाते रहूंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सी यू बाय